Students, in this video, I am going to tell you the summary of the chapter 3 of snapshots, Ranga's marriage. जैसा कि नाम से सजेस्ट है, रंगा की मैरिज हो गई इसमें. इसके राइटर हैं मस्ती वेंकटेश अय्यंगर. आप देख सकते हैं उनकी पिक्चर भी है इसमें. मस्ती वेंकटेश अय्यंगर वॉज बोर्न इन 1891 एंड ही डाइड इन 1986. वॉज अ वेल नोन राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज. वो कन्नड़ लैंग्वेज के बहुत ही अच्छे राइटर थे. ही वॉज द फोर्थ अमंग कन्नड़ राइटर्स टू बी ऑनर्ड विद द ज्ञानपीठ अवार्ड. कि उनको ज्ञानपीठ अवार्ड 4 ही राइटर्स को मिला है कन्नड़ में, और उनमें से वो एक थे. एंड ज्ञानपीठ अवार्ड किन को मिलता है? द हाइएस्ट लिटरेरी ऑनर कन्फर्ड इन इंडिया. इंडिया में जो सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड होता है वो ज्ञानपीठ अवार्ड होता है, और वो उनको मिल चुका है. तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो कितने फेमस राइटर रहे हैं. ये जो चैप्टर है उन्होंने कन्नड़ में लिखा है, जिसको ट्रांसलेट करके आपकी बुक में दिया गया है. मेन कैरेक्टर्स कर लेते हैं सबसे पहले स्टोरी के. फर्स्ट वन इज़ रंगा. रंगा मेन कैरेक्टर है. आपको पता है ये टाइटल भी इन्हीं के नाम से है. रंगा का फुल नेम है रंगनाथन. सेकेंड इज़ द नरेटर श्यामा. उनका नाम श्याम है. शास्त्री. थर्ड वन इज़ शास्त्री. शास्त्री कौन है? कि वो जो फ्यूचर बताने वाले जो पंडित होते हैं वो हैं. फोर्थ वन इज़ रत्ना, जिनके साथ रंगा की शादी होती है. एंड फिफ्थ इज़ रामा राव. रामा राव जो हैं रत्नास अंकल. तो ये 5 कैरेक्टर्स हैं. और नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स. वेडिंग. फर्स्ट वन इज़ वेडिंग. वेडिंग मीन्स मैरिज, शादी. आपको ये तो मेनली पता ही होगा क्योंकि टाइटल में भी आया है. कमोडिटी, अ थिंग. कोई भी चीज़ जो है उसको हम कमोडिटी बोलते हैं. कार्टोग्राफर. कार्टोग्राफर अ पर्सन हु ड्रॉज मैप्स, जो मैप्स बनाता है. असेस. असेस मीन्स इवेल्युएट. किसी के वैल्यू आंकना जो होता है वो असेस होता है. जैसे असेसमेंट वर्ड आपने सुना होगा. इमैच्योर, रॉ, इनएक्सपीरियंस्ड मीन्स जो मैच्योर नहीं है, अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, उसको इमेच्योर बोल देते हैं. एम्बैरेस्ड. एम्बैरेस्ड मतलब शेमफुल, आपको शर्मिंदगी महसूस हो किसी चीज़ से. थ्रेशहोल्ड. फुटस्टेप ऑफ अ हाउस मीन्स किसी घर का जो एंट्री पॉइंट होता है, दहलीज होती है. श्रीवल्ड. श्रीवल मीन्स रिंकल्ड. रिंकल मीन्स कोई चीज़ सिकुड़ी हुई सी हो, उसको श्रीवल्ड बोल देते हैं. पैराफर्नेलिया. पैराफर्नेलिया होता है टूल्स टू पार्टिकुलर पर्पस मीन्स किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए जब कोई टूल्स होते हैं, या किसी भी खास प्रोफेशन के जो टूल्स होते हैं उनको उनका पैराफर्नेलिया बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज पर्ल. पर्ल मीन्स एक जैम होता है, मोती को बोलते हैं. मिल अराउंड. मिल अराउंड मीन्स किसी को सराउंड कर लेना चारों ओर से, उसके चारों ओर मिल कर लेना. दिस ग्रेसफुल. शेमफुल मीन्स शर्मिंदगी से भरी हुई कोई चीज़ हो. बैचलर. बैचलर मीन्स अनमैरिड जो मैन होते हैं उनको बैचलर बोलते हैं. नीस. डॉटर ऑफ द ब्रदर की जो भाई की बेटी होती है या बहन की बेटी होती है उसको नीस बोलते हैं. भतीजी के लिए वर्ड है. डिसेंट मीन्स गुड. नेगोशिएशन. नेगोशिएशन मतलब कन्वर्सेशन और डिस्कशन. जब हम कोई चीज़ नेगोशिएट करते हैं मीन्स उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सेवर मीन्स इंजॉय. ग्लैंस मीन्स लुक. तो इस तरह इन वर्ड्स को आपने देखना है, चैप्टर पढ़ना है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द स्टोरी ऑफ द चैप्टर. चैप्टर है ये बड़े ही ह्यूमरस तरीके से लिखा गया है, और जिसमें चाइल्ड मैरिज जैसे सेंसिटिव जो टॉपिक है उसको बड़े ही ह्यूमर के साथ डिस्क्राइब किया गया है. जब चैप्टर स्टार्ट होता है तो होसा हल्ली विलेज को डिस्क्राइब करते हैं राइटर. सबसे पहले अपने गांव को करते हैं और कहते हैं कि ये जो है ये, हालांकि इसका जो वर्णन है वो कहीं पर भी इसका डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा आपको, किसी ज्योग्राफी की बुक में नहीं मिलेगा, किसी मैप में नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ये मैसूर का बहुत ही फेमस विलेज है. फिर वो डिस्क्राइब करते हैं गांव में एक डॉक्टर को डिस्क्राइब करते हैं. वो कहते हैं कि जो डॉक्टर है उसने बहुत सारे जगह देखी हुई हैं, फिर भी वो मॉडेस्ट हैं. वो अपनी जो बात है उसको जब कहते हैं तो अपने वैल्यू ज़्यादा नहीं बताते, और जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने कितनी जगह देखी हुई है तो वो कहते हैं कि नहीं मैंने ज़्यादा जगह नहीं देखी हुई, जबकि वो बहुत जगह घूमे हुए हैं.
फिर राइटर जो है मैंगो ट्रीज को डिस्क्राइब करते हैं, और मैंगो ट्रीज को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि जब वो चाइल्ड थे तो वो एक बार मैंगोज में से एक को अपने घर ले आए थे। व्हेन चटनी वॉज मेड ऑफ दिस मैंगो, तो क्या हुआ कि सभी का गला खराब हो गया और सभी को दवाई देनी पड़ी थी। फिर वो विलेज की क्रीपर्स को डिस्क्राइब करने लग जाते हैं कि जो वहाँ पे बेल वगैरह थी कि उनके जो लीव्स थे वो इतने बड़े थे कि आप दो अगर लीव्स का यूज़ करें तो मील के लिए प्लेट का यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरह डिस्क्राइब करते करते फिर वो अपने टॉपिक पर आते हैं कि जो रंगाज मैरिज है। तो स्टार्ट वो करते हैं जब इस टॉपिक को, तो बताते हैं कि रंगा जो था विलेज के अकाउंटेंट का बेटा था, और वो पहला पर्सन था उस गाँव से जो बाहर शहर में पढ़ने के लिए गया था। और जब वो पढ़कर आया, हिज होम कमिंग वॉज अ बिग इवेंट इन द विलेज। क्यों? क्योंकि वह उससे पहले इंग्लिश जानने वाले लोग नहीं थे। फिर वो इंग्लिश जानने वालों का एक इंसिडेंट डिस्क्राइब करता है कि कैसे नहीं जानते थे लोग। तो वो एक रामाराव नाम का गांव का एक आदमी था जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी, तो उसने किसी औरत से लकड़ियाँ ली थी। तो उसके जब पैसे मांगे तो कुछ कॉइन्स उस औरत ने बताया कि ये जो कॉइन्स हैं ये मुझे दे दो, इतने कॉइन्स दे दो। तो रामाराव ने कहा कि मेरे पास चेंज नहीं है इस समय, आप बाद में ले लेना। तो वो जो लेडी थी वो बहुत ही मटरिंग करती हुई गई, उसे लगा कि ये जो है रिफ्यूज़ कर रहे हैं पैसे देने से। तो इस तरह से जो छोटे छोटे जो इंग्लिश वर्ड्स हैं वो भी तब यूज़ नहीं करते थे। हालांकि अब राइटर कह रहे हैं चेंज हो गया है गाँव में, और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो कन्नड़ के साथ इंग्लिश वर्ड्स भी बोलते हैं। लेकिन ये उस टाइम की कहानी है, और उस टाइम की कहानी में चाइल्ड मैरिजेस भी होती थी। तो रंगा जब शहर से आता है तो नेचुरली वो बहुत बड़ा इवेंट था, गांव के सभी लोग सराउंड कर लेते हैं उनके घर को एक झलक पाने के लिए कि एक बार रंगा से वो मिल ले। वो देखना चाहते थे, उनके अंदर एक्साइटमेंट थी कि क्या वो जो था रंगा वो बदला था या नहीं बदला था। उन्हें लग रहा था शहर पढ़कर आया है 3-4 साल में तो उसके रंग ढंग बदल गए होंगे, क्या वो ऐसा ही है। तो सब देखने गए, इवन एक औरत ने तो उनकी चेस्ट के ऊपर भी हाथ फेर कर देखा कि वो जनेऊ जो सेक्रेट थ्रेड था वो अभी भी उसने डाला है या नहीं डाला, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो अपनी मॉडर्निटी में अपनी जो परंपरा है उनका जो रिलीजन है उसको छोड़ देगा। लेकिन जब वो सेटिस्फाइड हो गई कि नहीं जो जनेऊ था अभी भी वहाँ पर है, तो वो वहाँ से हट जाती है। और धीरे धीरे जब सब लोग देख लेते हैं कि रंगा वैसा ही है, बदला नहीं है, तो सब लोग जो हैं धीरे धीरे चले जाते हैं। तब जो नरेटर है वो अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं कि मैं भी गया वहाँ पे, जब सब चले गए और थोड़ा खाली हुआ तो वो भी जाता है जो जानता था रंगा को। तो वो रंगा के पास जब जाता है तो रंगा जो है उसके पैर छूता है और इस तरह से नमस्कार करता है, तो उसको बड़ी खुशी होती है कि चलो ये बदला नहीं है। क्योंकि आजकल के जो बच्चे हैं वो एक हल्का सा सिर हिला देते हैं किसी को ग्रीट करने के लिए, तो उसे बड़ी खुशी होती है कि चलो ये जो लड़का है ये बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने उसको एक आशीर्वाद भी दिया कि मे यू गेट मैरिड सून। तो ये ऐसा था कि वो सभी को इस तरह का आशीर्वाद देते होंगे, उन्हें लगा कि अब लड़का जो है यंग हो गया है तो उसकी शादी भी हो जाएगी, तो इस तरीके से वो खुश होकर चला जाता है। लेकिन ये जो खुद के उसका जो आशीर्वाद था वो उसके माइंड में रह जाता है, वो अपने में मन में सोच लेता है कि ये एक लड़का एक अच्छा हस्बैंड साबित होगा तो इसके लिए एक अच्छी लड़की वो ढूंढेगा। तो इस तरीके से वो इवेंट जो है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद शाम को रंगा उनके लिए कुछ सामान लेकर आया होगा, ऑरेंजेस वगैरह देने नरेटर के घर जाता है। तो नरेटर उससे बातचीत करता है, तो वो उसकी शादी की जब बात करता है तो रंगा जो है वो मना कर देता है कि नहीं इतनी जल्दी नहीं है, क्योंकि मैं जो है ऐसे ही शादी नहीं करूँगा, मुझे जो है एक लड़की ढूंढने में टाइम लगेगा। तो वो पूछता है कि तुम्हें किस तरह की लड़की चाहिए, तो कह रहा है नेचुरली जैसे यहाँ शादी कर देते हैं कि बहुत कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं कि उन्हें खुद को संभालना नहीं आता और उनकी शादी कर दी जाती है, तो ऐसी लड़की से तो मैं शादी करूंगा नहीं। तो नरेटर को बड़ी निराशा होती है कि ये जो है इसने तो शायद ठान रखी है कि ये शादी करेगा ही नहीं। फिर वो रंगा फिर एग्जाम्पल देता है कि कालिदास की जो शकुंतला प्ले है उसका वो एग्जाम्पल देता है, कहता है कि अगर शकुंतला में गुण नहीं होते, वो मैच्योर नहीं होती, तो शायद दुष्यंत जो है तो वो उनसे कभी शादी नहीं करते। तो वो कहते हैं कि मुझे एक मैच्योर लड़की चाहिए कि जिसको खुद अभी वो दूध पी रही हो, वो कहाँ शादी करेगी। तो इस तरह की वो बातें करता रहता कि उसके मॉडर्न विचार हैं, प्रोग्रेसिव विचार हैं शादी को लेकर। लेकिन नरेटर जो है मन ही मन सोच लेता है
कि मुझे इस लड़के की शादी करानी है, और जब उसके माइंड में वो बार बार सोचता है तो उसके माइंड में रत्ना आती है। अब ये रत्ना कौन थी? रत्ना रामा राव जो उसी गांव का था, उसकी नीस थी, भतीजी थी। उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और अब वो अपने अंकल के घर ही रहने के लिए आई हुई थी। उसको वो क्योंकि शहर में अपने पेरेंट्स के पास पढ़ी हुई थी, तो उसको हारमोनियम वीणा वगैरह म्यूजिक भी आता था और वो अच्छा गा लेती थी। साउथ इंडिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो सिंगिंग और इस तरह की क्वालिटीज़ को वैल्यू देते हैं, तो उन्हें ये चीज़ पसंद आई कि, और उन्हें लगा कि वो पढ़े लिखे परिवार से है तो वो शायद रंगा के लिए बेस्ट मैच होगा। तो वो अपनी जो डिज़ाइन है जो प्लान है वो तैयार कर लेते हैं कि किस तरीके से रंगा को बुलाकर रत्ना को दिखाना है। वो डिज़ाइन भी क्यों तैयार करते हैं? क्योंकि जो रत्ना थी अभी 11 साल की थी, हालांकि गांव में उस समय वो इस उम्र की लड़कियों की शादियां कर देते थे, लेकिन क्योंकि रंगा ने मना कर रखा था तो नरेटर एक प्लानिंग करता है, और प्लानिंग के तहत वो रामा राव के घर जाता है। रामा राव को कहता है कि मेरे घर में कुछ बटर मिल्क है और कल रत्ना को उसे लेने के लिए भेज देना। बटर मिल्क मीन्स लस्सी वगैरह है, वो लेने आ जाएगी। तो रत्ना जब आती है तो उसे कहता है कि तुम एक जो गाना है वो क्या गा सकती हो, तो वो गाने लग जाती है नरेटर के कहने पर। तो इतने में वो उसी टाइम पर रंगा को भी बुला लेते हैं, और रंगा जो है रत्ना का जो सॉन्ग है वो सुनता है तो वो बड़ा ही अट्रैक्टेड हो जाता है, फैसिनेटेड हो जाता है, और वो दूर से ही खड़ा होकर सुनता है, दरवाजे के पीछे से ही सुनता है। लेकिन वो इतना स्वीट उसका गाना था कि एक बार मन होता है रंगा का कि मैं देख लूं कि गाने वाला कौन है। तो जैसे ही वो दरवाजे से झांकता है तो रत्ना एकदम से जो गाना है वो बंद कर देती है। जब वो गाना बंद कर देती है तब वो वहां से चली जाती है, क्योंकि उसने देखा कि एक स्ट्रेंजर जो था जिसको वो जानती नहीं थी और वो आ गया था, इसलिए वो एम्बेरस होती है और वो चली जाती है। तो इस तरीके से नरेटर भी देख लेता है कि रंगा जो है इन्फेचुएटेड हो गया है और उसका जो प्लान था वो थोड़ा थोड़ा कामयाब हो गया है। तो वो उसके मन की बात जानने के लिए कहता है कि पूछता है कि क्या ये अच्छा गा रही थी। तो फिर रंगा जो है उसका उसके बारे में पूछता है कि ये कौन है। तो वो कहता है कि तुम जानकर क्या करोगे, क्योंकि तुम तो शादी करने वाले हो नहीं, कि ये कम उम्र की है और वैसे भी इसकी शादी हो चुकी है, उसके मन की बात जानने के लिए। तब नरेटर ने नोटिस किया कि एकदम से रंगा का जो चेहरा था वो उतर गया था। इससे वो समझ गया कि हाँ, ये रत्ना से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो उसके लिए वो फिर से प्लानिंग शुरू कर देता है। तो आप देखिए, नरेटर एक इस टाइप का आदमी है जो चीज़ ठान लेता है जो उसको करनी है, या जिसको शादियां फिक्स कराने में बड़ा मज़ा आता है। कुछ लोग इस टाइप के होते हैं कि जो दूसरों की लाइफ में इस तरह की दखलअंदाजी करना पसंद करते हैं। तो वो अगली प्लानिंग उसकी क्या होती है कि वो शास्त्री जो पंडित था वहाँ पर, जो वो ग्रह वगैरह देखता था, स्टार्स वगैरह देखता था, उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हें ये करना, उसको सारी प्लानिंग समझाता है। अगले दिन जब रंगा मिलता है नरेटर को, तो रंगा नॉर्मल था, लेकिन फिर भी नरेटर उसको अपने जाल में फंसाने के लिए कहता है कि अरे तुम्हारी तो तबीयत ठीक नहीं लग रही है। वो लाग कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, लेकिन यूँ कहता है कि नहीं तुम्हें तो कोई दिक्कत हो गई है कि चलो मैं तुम्हारे ग्रह दिखाने के लिए तुम्हें शास्त्री के पास ले चलता हूँ। तो उसे ले जाता है और शास्त्री जो है उसे एकदम से कहता है कि तुम्हारी तो नियर फ्यूचर में शादी का योग बन रहा है। फिर वो कहता है कि अरे तुम्हारी जिससे शादी होगी उसका नाम जो है वो सी में पाई जाने वाली, समुद्र में पाई जाने वाली किसी चीज़ के नाम पर होगा। तो वो एक दो वर्ड गैस करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं पर्ल वगैरह हैं वो पाए जाते हैं, मोती होगा नाम, इस तरीके से बहुत सारे नाम वो सोचते हैं। और लास्ट में नरेटर ही रत्ना का नाम ले देता है, क्योंकि रत्न जो है वो समुद्र में मिलते हैं। वो कहता कि अरे हाँ, रत्ना का भी तो नाम यही है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वहाँ से सजेशन उसको करा के रास्ते में रामा राव के घर वो 2 मिनट के लिए अंदर जाता है और बाहर आकर कहता है कि अरे मुझे तो गलतफहमी हो गई थी, रत्ना की शादी नहीं हुई, रत्ना तो अभी भी अनमैरिड थी, ये उसका सारा प्लान था। तो इस तरीके से वो कहीं ना कहीं रंगा को उसकी तरफ अट्रैक्ट करवा देता है, वो उसका अट्रैक्शन को देख लेता है और मना लेता है कि हाँ रत्ना ही उसके लिए बेस्ट गर्ल है। और दूसरी तरफ
जो जिसके इतने प्रोग्रेसिव विचार थे मैरिज के बारे में, जो इतना सोचता था, एकदम से अट्रैक्शन में वो ये ही भूल जाता है कि शी वॉज जस्ट 11 ईयर्स ओल्ड. तो जब आदमी के जो खोखले आदर्श हैं वो धरे के धरे रह जाते हैं जब एक्चुअल सिचुएशन आती है. ये इसमें दिखाया गया है कि हम बात बहुत करते हैं कि सोसाइटी को चेंज करने की, लेकिन जब हमारी अपनी बात आती है तो हम उसको भूल जाते हैं. तो इस तरीके से नैरेटर अपनी प्लानिंग में सक्सेसफुल हो जाता है और रत्ना और रंगा की मैरिज हो जाती है. तो इसमें मैरिज किस तरीके से सेलिब्रेट होती है वो नहीं दिखाया, सिर्फ ये दिखाया है हाउ वॉज इट प्लान्ड बाय द नरेटर. अब लास्ट में बस इतना एक और सीन आता है और जिससे हमें पता लगता है कि वो शादी हो गई है, कि रत्ना और रंगा के बेटे का फर्स्ट बर्थडे था जिसका नाम उन्होंने श्याम रखा हुआ था, और उसको आशीर्वाद देने के लिए वो नरेटर को बुलाते हैं. और इस तरीके से उस पॉइंट पर ये जो स्टोरी है ये खत्म हो जाती है. अब इसमें इस स्टोरी में जो मेन चीज़ है वो क्या है बेटे, इश्यू उठाए गए हैं, और हालांकि ह्यूमर है इसमें. बीच बीच में आप जैसे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे तो ह्यूमर है. जैसे वो उसको डिस्क्राइब करने के लिए रंगा को कहता है कि उसका जो चेहरा था बुने हुए बैंगन जैसा हो गया जब वो पता लगता है उसको कि उसकी शादी हो चुकी है. तो इस तरह के वर्ड्स जो हैं उन्होंने यूज़ किए हैं. जो विलेज है, जो विलेज डॉक्टर है उसको डिस्क्राइब करते हुए भी वो ह्यूमरस तरीका ही अपनाते हैं, लेकिन जो मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, इश्यूज उठाए हैं, वो क्या है, चाइल्ड मैरिज का इशू उठाया है. और दूसरा इशू क्या उठाया है कि आदमी के बोलने में और करने में डिफरेंस होता है. हमारे जो विचार होते हैं, जो हम बोलते हैं, हमेशा वैसे नहीं होते. तीसरी बात जो उठाई है कि ये एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह पे उठाई है कि वो किस तरीके से अपनी प्रडिक्शंस करते हैं, उनकी प्रडिक्शंस किन्हीं भी स्टार्स पर, किसी पर डिपेंड नहीं करती. वो इधर उधर से बातें सुन लेते हैं और उन्हीं को नए वर्ड्स में और नए तरीके से एक स्टोरी बना के बता देते हैं. तो ये जो सोशल इश्यूज हैं ये इस चैप्टर के थ्रू राइटर ने उठाए हैं. तो आई होप आप सभी ने ये अंडरस्टैंड कर लिया है. अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, वो आपको ट्राई करना है, आपको चैप्टर में से ढूंढना है उनके आंसर्स, और अपने शॉर्ट सेंटेंसेस में उनके आंसर्स बनाने हैं. और एज यूजुअल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको उनके सॉल्यूशंस जो हैं वो प्रोवाइड कर दूंगी. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.